दिल्ली एनसीआर में सीएनजी कीमत 3 रुपये बढ़ गई है, वहीं पीएनजी कीमत भी 3 रुपये बढ़ी है। सीएनबीसी से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली एनसीआर में नई कीमत 8 अक्टूबर यानी आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। अब दिल्ली में प्रति किलो सीएनजी कीमत 78.61 रुपये हो गई है। अभी दिल्ली में प्रति किलो सीएनजी कीमत 75.61 रुपये थी। आज से नई कीमत लागू होने के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद शनिवार से प्रति किलो सीएनजी के लिए 78.17 रुपये के बजाय 81.17 रुपये देने होंगे। वहीं गुरुग्राम में जब सीएनजी 83.94 प्रति किलोग्राम की जगह 86.94 प्रति किलोग्राम के रेट में मिलेगी। अगर पीएनजी की कीमत की बात करें तो दिल्ली में इसकी कीमत बढ़कर 53.59 प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर हो गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में इसका रेट 53 रुपये होगा। वहीं मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ की कीमत 56.97 हो गई है। कानपुर, फतेहपुर और हमीरपुर में रेट 56.10 होंगे। इससे पहले मुंबई में भी इसी हफ्ते गैस वितरण कंपनी महानगर गैस लीटर ने सीएनजी के दाम 6 रुपये बढ़ाए थे। अभी मुंबई में सीएनजी कीमत 86 रुपये है। कुछ देर पहले पेट्रोलियम मंत्रालय ने नेचुरल गैस की कीमत 40% बढ़ाई थी। इसके बाद से देश के अलग अलग शहरों में सीएनजी कीमत बढ़ने के अनुमान लगाया जा रहा था। नेचुरल गैस के दाम बढ़ने से महंगाई हो रही सीएनजी नेचुरल गैस की कीमतों में तेजी से अब सीएनजी कीमत में तेजी से देखने को मिल रही है। जानकारों के अनुसार सरकार ने पिछले सप्ताह पुराने गैस सेक्टर से उत्पादित गैस के लिए भुगतान की जाने वाली दर को मौजूद $6.1 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट से बढ़ाकर $8.57 प्रति इकाई कर दिया। ऐसे में आने वाले दिनों में सीएनजी की कीमतों में और तेजी से देखने को मिल सकती है।